नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पोहा और दही से एक हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बना के दिखाने वाला हूँ, जिसे कि सुबह के नाश्ते में खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और आपके शरीर में एनर्जी भी भरी रहेगी। ऐसे कई फायदे इसे खाने से हमारे हेल्थ के लिए होते हैं, तो फिर चले बनाना शुरू करें। वीडियो की शुरुआत में जो लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, खास करके उनके लिए पहले पार्ट में पोहा और दही का नाश्ता बना के दिखाने वाला हूँ, और बाद में जो हेल्थ के साथ साथ थोड़ा सा चटपटा भी खाना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड पार्ट में पोहा और दही से ही ब्रेकफास्ट बनाएंगे, जो कि चटपटा और टेस्टी भी लगेगा। तो इस हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए हमें एक केला लेकर उसका छिलका निकाल के पहले केले को मैश करके लेना है। आप चाहे तो केले को थोड़ा सा मिक्सी में चलाकर भी ले सकते हो। तो केला खाना तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि शरीर की भूख मिटा के हमारी चर्बी को कम करता है। बस केला खाने के तरीके पता होना चाहिए। तो अभी इसके साथ ऐड करना है 1/4 कप दही और साथ में 1 चम्मच गुड़। यहाँ पर दोस्तों चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, गुड़ का ही इस्तेमाल करें, और बिल्कुल थोड़ा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करिए। दोस्तों आप दही के बारे में तो जानते ही होंगे, दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए माना जाता है, तो यह वायरल संक्रमणों से लेकर हमारे स्वास्थ्य के कई समस्याओं को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। तो अभी इस मिश्रण को यहीं पर छोड़ के छलनी में 1 कप पोहा डाल के पोहा को धोकर लेंगे। आप ध्यान रखिए कि हमें पोहा को भिगोकर नहीं बल्कि सिर्फ धोकर लेना है। ऐसे धोने के बाद पोहा को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, जो हमने दही और केले का मिश्रण बनाया है उसे पोहा के साथ ऐड करेंगे और बाद में अच्छे से मिक्स करते हैं। दोस्तों पोहा आयरन फाइबर से भरपूर होता है, क्योंकि यह चावल से बना होता है, तो जब यह केले के साथ मिक्स हो जाए तब तो यह और भी ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आपके लिए परफेक्ट डाइट है। और दही पोहा में कैलोरी बहुत ही कम होती है, तो इसे आप हेल्दी नाश्ते के तौर पे आराम से खा सकते हो। तो अभी हम ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा चटपटा दही और पोहा से दूसरा नाश्ता बनाते हैं, जो कि हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी लगेगा। तो यहाँ पर हमें पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डाल के, तेल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच राई, और राई चटकने के बाद सेम क्वांटिटी में जीरा डाल के 2 चम्मच कच्ची मूंगफली डालना है, और बाद में मूंगफली को हल्का सा फ्राई करके लेना है। अभी इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ 1/2 प्याज। अभी प्याज को थोड़ा सा भून कर लेंगे, यानी कि प्याज का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाने तक चम्मच चलाएंगे। अभी इसमें डालते हैं बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची और 6 से 7 कड़ी पत्ते डालकर इन सभी को और थोड़ा सा भून कर लेते हैं। अब इसमें डालना है 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और स्वादानुसार नमक। तो मिर्ची पाउडर आप तीखा कम या ज्यादा कैसे खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालिए। अभी क्या करेंगे, लास्ट में 1/3 कप दही डालकर बस 1/2 मिनट इसमें चम्मच चलाएंगे। आधा मिनट के बाद हमारा यह मसाला बनके तैयार है। अभी इसे निकाल कर साइड में रख कर लगभग और 1.5 कप पोहा लेकर उसे अच्छे से धो कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पोहा को बस थोड़ा सा भीगने देना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पानी डाल के अच्छे से धो कर लीजिए, और बाद में पोहा को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करिए। अभी जो हमने मसाला बनाया था उसे इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों आप सोचते हैं कि पोहा सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाने के लिए होता है,
तो इतना ही काफ़ी नहीं है। पोहा में ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो आपको हेल्दी रखने में काफ़ी फायदेमंद होता है, और दही के साथ जब मिलता है तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बनता है। तो आप इन दोनों ब्रेकफास्ट को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर कैसा लगा आज का ये वीडियो? पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।